नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह के हमारे परेशानियों से बचाए। आमीन से आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मॉर्निंग के टाइम में मैं बनाने लगी थी सैंडविच, और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का, अपने स्टाइल का सैंडविच मैं बना रही थी। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, जो कि सैंडविच में नहीं पड़ती है, लेकिन मैं जिस तरीके का बनाती हूँ ना, उसमें शिमला मिर्च मैं डाल देती हूँ। और कोई भी टॉपिंग्स हमें पसंद आती ना, कुछ भी, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च जो है वो कट कर ली थी, साथ में मैं अनियंस भी कट कर लूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया कुछ सैंडविच वगैरह खाए हुए, तो इसीलिए अम्मी ने रात में ही कह दिया था सैंडविच बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं सुबह से उठ के, मुझे पता था कि सैंडविच बनना है, तो मैं बनाने लगी थी। और अनियंस भी मैंने कट कर ली थी, इसके अलावा तो और कोई टॉपिंग्स मुझे ऐड नहीं करनी थी, तो इसीलिए बस इतनी ही टॉपिंग्स मैंने रखी शिमला मिर्च और अनियन की। मुझे तो वैसे आलू का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी बाकी सबको एखा खाना था, तो मैंने फिर इतनी मेहनत नहीं की क्योंकि उसको बॉईल करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने 4x ले लिए थे। इसके बाद मैंने एक एक और ले लिया था क्योंकि हम सब ने ही खाना था, तो इसीलिए। और अभी मैंने इसमें गोल मिर्च और सॉल्ट डाल करके, गोल मिर्च पाउडर और सॉल्ट डाल करके अच्छे से बीट कर लिया है, और पैन में ऑयल डाल करके एग बना लिया है। और उसके बाद मैंने उसी में शिमला मिर्च को थोड़ा सा सॉटे कर लिया था। सॉटे की हुई शिमला मिर्च बहुत ही मज़े की लगती है, कभी ट्राई कीजिएगा। बर्गर में, जो होममेड बर्गर होता है, या सैंडविच में बहुत मज़े की होती है। ऐसे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, और अभी मैं फटाफट से सैंडविच को असेंबल करने वाली, क्योंकि सारी प्रिपरेशन हो गई है, टॉपिंग्स भी रेडी हो गए, एग भी रेडी हो गए। तो मैंने सबसे पहले एग रखा था, और अम्मी पापा और अपने लिए मैंने शिमला मिर्च डाल के बनाया था। बड़ी सिस्टर छोटे सिस्टर को शिमला मिर्च नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैंने सिर्फ अनियन वाला ही बनाया था, और साथ में मैंने मायो खूब ढेर सारी लगा दी थी, क्योंकि मायो बहुत मज़े की लगती है सैंडविचेस में। तो इसलिए मैंने मायो लगा दिया था, और उसके बाद अनियन भी मैंने इस पर लगा दिया था, और बस इसे कवर कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने सिस्टर्स का एग और अनियन के साथ भी रेडी कर दिया था। अब बारी है इन्हें बेक करने की, टोस्ट करने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे रख दिया था, और ये बन करके रेडी हो गया। मैंने इसे ग्लूकॉन डी के साथ पिया था, क्योंकि ना मुझे ग्लूकॉन डी का फ्लेवर बहुत पसंद है, एज अ ऑरेंज जूस बिल्कुल मज़े का लगता है। तो इसी के साथ मैंने ये इन्जॉय किया था, और बाकी सब लोग अलग खा रहे, मैं यहाँ पर बैठ के अलग खा रही हूँ। ढेर सारे केचप और मायो के साथ मैंने जो है वो इसे इन्जॉय किया। उसके बाद आज ना हमारी खाला आने वाली थी, आज वीकेंड डे था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं शरबत वगैरह बनाने लगी थी, आ गई थी ऑलमोस्ट, तो इसीलिए ठंडा ठंडा शरबत भी मैंने रेडी कर दिया था। और ना आज हमारे घर में तो फ्रीज में बर्फ़ ही नहीं जम रही है, जिसके लिए बहुत परेशान होना पड़ा, लेकिन एट द एंड हमें बर्फ़ मिल गई थी। तो हमने चिल्ड यहाँ पे नींबू पानी का शरबत बना करके ले आए थे। खाला खालू आए हुए हैं, अभी सारा की मम्मा भी आएंगी, तो सारा भी आएगी, बहुत ही इन्जॉय करेंगे आज हमारा वीकेंड घर में ही, लेकिन बहुत इन्जॉयमेंट के साथ स्पेंड होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जब खाला लोग आती है ना, तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही हम लोग इन्जॉय करते हैं। वो बात अलग है कि मम्मी लोग खाला लोग की तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से इन्जॉयमेंट हो ही जाता है हमारा जब घर में गेस्ट आते हैं, तो स्पेशली खाला लोग। और उसके बाद यहाँ पे बहुत देर वेट करा हम लोग ने खाला का, कि खाला भी आ जाएंगी, तो हम लोग सब लोग मतलब साथ में बैठ के जो है वो नाश्ता करेंगी। लेकिन खाला को लेट हो रहा था, तो यहाँ पे तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पे नाश्ता हम लोग ने लगा दिया था। और नाश्ते में बड़ी सिस्टर ने दही की फुल्कियाँ बनाई थी, खालू हमारे ये वाटरमेलन लेके आए थे, और साथ में मैंने बनाना चिप्स भी बनाई थी। बस ऐसे ही हमने इन्जॉय किया अपना ये नाश्ता वगैरह। उसके बाद मैंने बना दिया था यहाँ पे कीमा, और साथ में बनी थी कद्दू शरीफ की सब्ज़ी, यानी सीताफल जो भी कहना चाहें कह लें।
और यहाँ पे सब लोग अभी जो है वो खाना इंजॉय करें। फिर थोड़ी देर बाद हमारी खाला भी आ गई थी, तो उनके लिए भी यहाँ पे नाश्ता लगा दिया है और सिस्टर ने मज़ीद नई फुल्कियाँ बना दी थी। और ये देखें मैंने सारा का गेटअप कैसा कर दिया है, बिल्कुल शिनचैन का एक मंकी वाला मूवी है ना, बिल्कुल वैसा ही विलन लग रही है ये सारा। इतनी हम लोगों को ऐसी आ रही थी। एक बार या स्कूबी डू वाला जो डॉग है ना, वही लग रही है मेरी सारा। आपको ये सारा कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही रियल लग रहा है इसका चेहरा इस स्कर्ट के साथ। ये सारा की स्कर्ट है तो वही मैंने इसके सर पे लगा दिया था और बहुत फनी सीन था, सब देख के हंस रहे थे। फिर हम बोले कर रहे हैं और जो तुम उस लड़के को तुमने सुनाया था कि ज्यादा मिस्टर मास्टर ना बनो, वो कौन लोग करते हैं? तो उसके बाद खालू हमारे लिए आए थे यहाँ पे मैंगोज और साथ में मिल्क भी ले आए थे। तो उनका प्लान था मैंगो शेक बनाने का। हमारे खालू हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन करने में बिलीव रखते हैं। तो मैंने और खालू ने दोनों ने मिल के यहाँ पे मैंगो शेक जो है वो रेडी कर दिया था सबके लिए। इतने सारे लोग थे ना, लेकिन माशाल्लाह बरकत हो गई और सब ने फिर जो है वो इन्जॉय किया था। वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खालू हमारे मैंगोज़ वगैरह लेकर के आए थे, साथ में मिल्क भी लेकर के आए थे। और मतलब ऐसे तो हमारे घर में वाफ़ज़ा रखा होता है, लेकिन इस टाइम पर ख़त्म हो गया था तो हमें ये पैकेट मंगाना पड़ा इसको लुक देने के लिए। और फिर सबसे पहले तो हमने पापा को और खालू को ही सर्व किया था। पापा को लेट हो रहा था, उनको बड़ा मन था खालू के हाथ का ये मैंगो शेक पीने का, तो उन्होंने ये इंजॉय किया। सबको बहुत मजे का लगा था। तो पीला पहले से पहले उसको नहीं देना अम्मा, पापा को दे दिया। अक्सर दादा ने खालू को दिया। शेक ले लो सोसा। यहाँ पे मैंगो से एक पार्टी चल रही है, मैंगो से एक पार्टी। पता नहीं क्या बर्फ ही नहीं फ्रिज है, फिर जमा रहा फ्रीजर, क्या हो गया उसको? मेरी जूबी को नहीं दोगी? ले सारा जूबी को मैंगो शेक पी रही जूबी। अरे वाह जूबी पी रही मैंगो शेक, आज तो बहुत ज्यादा मैंगो शेक मिल गया उसको, इतना काय दे दिया, बहुत मिल गया। बहुत सारी गपशप और बातों के बाद डिनर की बारी आ जाती है। डिनर में बनाया था सिस्टर ने बिरयानी और साथ में रायता और अनियन सैलेड, और सबका बड़ा मन था बिरयानी खाने का तो इसलिए बिरयानी ही बनी थी। और सब लोग फिर यहाँ पे बैठ करके दो दस्तरखान बिछ गए थे, एक बच्चों के लिए एक बड़ों के लिए। तो ऊपर बड़ों ने खाया था और नीचे हम लोग ने खाया था, मेरे कज़िन्स ने और मेरी सिस्टर्स ने। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने आज पूरे दिन को। आज का आपका वीकेंड कैसा लग गया संडे का मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी तो इसीलिए ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए मेरी भी सॉरी। उसके बाद इतने ढेर सारे बर्तन वैसे तो पूरे दिन ही निकलते रहे, कभी मैं छोटी सिस्टर कभी बड़ी सिस्टर वॉश करते रहे, लेकिन खाना खाने के इतने ढेर सारे बर्तन जो है वो हमारी खाला ही ने वॉश कर दिए थे। तो उसके बाद ही वो अपने घर गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प करवा देती है ना। और गुलाब जामुन भी बने हुए थे तो वो भी खाला ने हमारी बनाए थे, तो सब ने खा पी लिया, इंजॉय कर लिया, बातें शातें हो गई। और अब सबके जाने का टाइम हो गया, बहुत ही बोरिंग टाइम आने वाला है, यानी कि कल से फिर से वही बोरिंग डे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आप सब व्लॉग में, तंदन जय के लिए आप सब को ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। वीडियो पे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, बाय। उसके बाद भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था और तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ।